जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तिरोवन चारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरंध्यस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्नि नमस्ते सरस्वतीदेवे। गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो हम सब प्रथम स्कंद का 8वां अध्याय और मुझे लगता है आखिरी पड़ाव में है हम सब। कुंती महारानी की जो प्रार्थनाएं हैं वो उन्होंने मेन प्रार्थना यही करना था कि प्रभु, उन्होंने अपना ग्रेटिट्यूड व्यक्त किया, उन्होंने अपना जो कृतज्ञता है भगवान के लिए प्रकट किया, अपनी अवस्था को उनके सामने रखा और उनका विरह जो है वो उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये कुंती महारानी ने प्रार्थनाओं से बता दिया। और उन्होंने उनका जो है यूनिवर्सल जो कनेक्शन है भगवान का, कि कैसे आप मुझसे ही नहीं तो सभी को कैसे आप हैंडल करते हैं, और जब आप प्रकट होते हैं तो कैसे अनेक कारणों से प्रकट होते हैं, इसके बारे में कुंती महारानी ने उनसे प्रार्थनाओं में कहा। अब जो है हम सब इन प्रार्थना के अंतिम पड़ाव में आ रहे हैं। हम लोग करीबन 40 श्लोक तक पहुंच गए थे, अभी 41, दो तीन श्लोक हैं जहां और प्रार्थना कर रहे हैं कुंती महारानी। तो ये जो श्लोक है ये बहुत अच्छा है, ये आप याद भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेहपाशम इमं छिन्दी दृढ़ पांडुषु वृष्णिषु। ओ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, सोल ऑफ द यूनिवर्स, ओ पर्सनैलिटी ऑफ फॉर्म ऑफ द यूनिवर्स, प्लीज देयर फोर सीवर माई टाई ऑफ अफेक्शन फॉर माई किन्समैन द पांडवास एंड द वृष्णिस। तो यहाँ पे अतः विश्वेश विश्वात्मन और विश्वमूर्ते ऐसे तीन शब्दों से माता कुंती जो है वो कृष्ण को संबोधित कर रही है। तो विश्वेश यानी विश्व का ईश, अगर संधि तोड़ देंगे तो विश्व ईश बन जाएगा विश्वेश। हाँ विश्वेश है। हमारे मुझे जो पहली बार जिन्होंने मतलब हमारे इस्कॉन में आके पहली बार मुझे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया और अल्लाह मुझे हरि नाम जप करने के लिए कराया, उनका नाम विश्वेश था। वो इतना जार लाके गुलाब जामुन का रख देते मेरे सामने, बोले एक माला करो पूरा गुलाब जामुन तुम्हारा। तो उस चक्कर में हम माला चालू किए, करते करते वो सब गुलाब जामुन अब वसूल हो गया। तो अथ विश्वेश, हे प्रभु आप पूरे विश्व के ईश हैं, आप सभी लोगों से जुड़े हैं, सभी चीजों से जुड़े हैं, सभी कार्यों से जुड़े हैं। अथ विश्वेश विश्व आत्मन, यानी इस विश्व के आप आत्मन हो, यानी जैसे शरीर का आत्मा है, आत्मा के वजह से ये शरीर, जब तक आत्मा है तब तक ये शरीर बड़ा बनते रहेगा, और जब आत्मा हट जाएगा तो शरीर
का जो ग्रोथ है वो खत्म हो जाएगा, एक्टिविटी खत्म हो जाएगा, फिर उसका जो नेचुरल एक डिग्रेडेशन है वो चालू हो जाएगा। तो अथ विश्वे से विश्व आत्मन, ये विश्व के आप आत्मन हो, आप सब कुछ जानते हो। हाँ, विश्व मूर्ते, और पूरा जो स्ट्रक्चर है वो आप ही का है। हे विश्व मूर्ति, पूरे विश्व के आप मूर्ति हो। तो ये सब ये क्यों कह रही हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वकेशु में, स्वकेशु में यानी अनटू माय ओन, स्नेह पाशम इमम छिंदी, कृपया करके। अभी तक कुंती महारानी ने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना किया, अपने परिवार के लिए किया, समाज के लिए किया, अब वो कह रहे हैं प्रभु, और उन्होंने स्टार्टिंग में कह दिया कि आप ईश्वर हैं, आप परम ईश्वर हैं, परम नियंत्रण करने वाले हैं, आप ही के इच्छा से सारा संसार चलता है, ये सब माता कुंती ने कह दिया। लेकिन अब वो ये कह रही हैं, पहले उन्होंने प्रार्थना भी किया कि मेरे बच्चों को आप ही ने बचाया है, आप ही ने इतने बड़े भव, हमारे आग लग गया था लाक्षाग्रह को, तो आप ही ने बचाया, सब जगह प्रभु आपने बचाया। लेकिन अब मैं क्या चाहती हूं, ऐसा हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि अब मुझे आप इन पांडु और वृष्णियों के जो आसक्ति है इसको छिंदी छिंदी कर दी। देखिए आखिरी लाइन में कह रहे हैं, स्नेह पाशम इमम छिंदी दृढ़म पांडुषु वृष्णिषु। ये जो मेरा स्नेह पाश है पांडुओं के प्रति और वृष्णियों के प्रति, तो पांडु तो हुए अपने यानी पति देव और बच्चे, और वृष्णि हुए घर वाले, तो वृष्णि में तो भगवान भी है ना, भगवान भी उसी कुल से हैं। हम लोग कहते हैं ना, वृष्णि वंश प्रदीपः, क्या वृष्णि के वंश हो, वहां के प्रदीप हो आप। तो कृष्ण जो हैं ये वृष्णि डायनेस्टी के हैं, तो वैसे ये कुंती माता तो बुआ लगेंगी उनकी, वसुदेव की बहन लगेंगी। तो ये कह रहे हैं प्रभु मेरा इस पांडु डायनेस्टी से और वृष्णि डायनेस्टी से प्लीज मेरे टाइज को सेवर कर दीजिए, इन द सेंस कि मेरे जो गांठ बन चुके हैं, मैं इनके, अभी मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूं जबकि आप स्वयं भगवान हैं, और हम एक शुद्ध भक्त को ये प्रार्थना नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करूं, मैं गृहस्थ हूं। प्रपद परपोट के पहले लाइन में लिखते थे, क्या कहते हैं, अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इज अशेम्ड टू आस्क एनीथिंग इन सेल्फ इंटरेस्ट फ्रॉम द लॉर्ड। जो एक शुद्ध भक्त है वो भगवान से अपने लिए कुछ भी मांगने में उसको बड़ा लज्जा होता है। वो आता है भगवान, होता है मैं अपने लिए मांग रहा हूँ, नहीं, वो चले जाता है। भगवान जानते हैं, भगवान अंदर से जानते हैं मांगना चाहता है लेकिन मांगेगा नहीं। तो ये अलग भाव है एक शुद्ध भक्त का। बट द हाउस होल्डर्स आर समटाइम्स ओब्लाइज्ड टू आस्क फेवर्स फ्रॉम द लॉर्ड। हाँ, लेकिन जो गृहस्थ है ये कई बार भगवान से अपने लिए कुछ मांगने में ओबलाइज हो जाता है। ओबलाइज का मतलब है कि देना ही पड़ता है, मांगना पड़ता है, क्योंकि वो इतना बंधन में होता है, बंधन का वो जो प्रेम है वो खींच रहा है एक जगह से, और एक जगह प्रभु आपके कनेक्शन में है, तो आप कैसे नहीं मांगिएगा, अपने आप हो जाता है, इतना स्पॉन्टेनियस होता है कि आप कुछ नहीं कर सकते। होता है, एक बार हमारे हमारे सिस्टर बीमार थी, और मतलब बहुत क्रिटिकल थी, मतलब फादर हॉस्पिटल में गए और बहुत क्रिटिकल थी। फादर बोले मुझे कुछ नहीं समझ रहा है, मैं भी एक था, एक ट्रेन में बैठा था, तो मेरे को सीट नहीं मिला, मेरे को अचानक जाना पड़ा, सीट में बैठा था, और बस एक ऐसी एक इमोशन, कह रहे भाई सिस्टर है आखिर में, तो आंख से आंसू होते थे। तो एक छोटी बच्ची ब्रश कर रही थी ट्रेन में, बोलती है आप सर क्यों रो रहे हैं, तुम्हें बुला रहे। तो होता है क्या है कि हम पूरा नॉलेज आ जाए, सब आ जाए, लेकिन जहां थोड़ा अफेक्शन होता है तो व्यक्ति थोड़ा सा वो हो जाता है कि अरे। तो यहाँ कुंती महारानी कह रहे हैं कि देखो मैं तो गृहस्थ हूँ, मैं तो स्त्री हूँ, मुझे तो गृहस्थ बनना ही बनना है। हाँ, ब्रह्मचारी और सन्यासी तो जो पुरुष योनि में है वो बन सकता है, लेकिन जो स्त्री शरीर में है उसके लिए विवाह ही सबसे बेस्ट अच्छा चीज है। आजकल पति क्या कहते हैं उसको, उस लेवल के भक्त नहीं मिलते, पर अच्छा मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं भी मिले तो विवाह कर लेना चाहिए, और एक अटेम्प्ट देखे फिर भगवान को बोलना चाहिए हो गया। तो माता कुंती जो है वो एक अच्छी पत्नी है, एक अच्छी माता है, एक अच्छी शासक के रूप में उन्होंने अपने बच्चों को ट्रेन किया, मॉरल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज के साथ सिखाया अपने बच्चों को। हाँ, असली तो गुरुकुल में आने से पहले जो बच्चे के ओरिजिनल गुरु माता पिता ही होते हैं, उसमें भी माँ होती है, लेकिन माँ जो है 5 साल उनको जो प्रेम देती है ना,
वो प्रेम से ही उनको भगवान पे विश्वास होता है। तो माँ का प्रेम बच्चे के लिए धर्म है, और माँ का प्रेम नहीं मिलना यह अधर्म है। इसलिए कितना भी हो जाए पति पत्नी में लड़ाई, बच्चे को माँ से अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वो नहीं करेगा तो अपने आप वो पापी बन जाएगा, फिर उसका उसका कारण भले आप बन जाएगा, वो समाज में अनर्थ करने लगेगा। तो जिनको माँ का प्रेम मिला है ना, आखिरी में भी वो जो है अधर्म नहीं करते। तो यहाँ पे कुंती माता एक अप्रतिम माँ थी, शासक थी, और अपने बच्चों को सही संस्कार दिए उन्होंने। अब लेकिन वो क्या करेंगी, ठीक है मैंने सारे रोल प्ले कर लिए प्रभु, लेकिन मैं तो जानती हूं ना कि माया जवनिका छन्नम, आप ही हो जिसको कोई देख नहीं सकता लेकिन सब जगह आप ही हो। कई बार बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, उसमें कोई आयोजक होता है, दिखता नहीं है, पैसा देता है, काम करता है, लेकिन पता नहीं रहता कि ये आयोजक है। तो वैसे ही कई बार ऐसे बहुत प्रसंग है जहाँ पे कुंती मारो ने सब किया लेकिन है ना, उन्होंने अपना ग्रेटनेस नहीं दिखाया। वैसे ही वो खुद जानते हैं कि जैसे मैंने किया है मेरे परिवार के लिए, वैसे ये भगवान पूरी सृष्टि के लिए कर रहे हैं। आप ये देखिए कैसा कोड खुलता है, आप जब किसी का दूसरे का समझने लगते हैं तो आपके ऊपर का भी आपको समझने लगता है। हाँ, कभी एक बार हम जब नए नए स्टूडेंट्स थे तो यात्रा जाते, तो हमारे गुरु महाराज यात्रा ले जाते थे, तो 2,000 3,000 ऐसे डिवोटीज आते, तो इतना मैनेजमेंट होता था उसमें। तो लेकिन हम लोग हमें डिमांड करते, अरे ये नहीं हुआ, यहाँ ये नहीं है, वहां ना लोग ऐसे बहुत डिमांड कर रहे थे। एक बार मैं 300 लोगों को यात्रा ले गया, तो ले गया ना, तो इतने लोगों ने ये नहीं है वो नहीं सुना, तो मेरे को याद है कि ये चीज हम लोग भी करते थे। तभी हमारे गुरु महाराज जो है और हमारे जो मैनेजर होते थे स्पेशली, वो हंस देते थे बस। तो मुझे समझ में है कि वही करना है, बस यहाँ स्माइल देना है। तो हम स्माइल दे दीजिए, हो जाएगा हो जाएगा। तो ये भाव है, जब आप कोई कार्य करते हो तो उस कार्य से निकलने वाला जो ज्ञान है वो आपके ऊपर वाले का ऊपर में जो हो रहा था, जो आपको प्रश्न आ गया था, उसका निराकरण यहाँ से मिल जाता है। तो कुंती महारानी सोच रहे कि देखो मैंने भी यहाँ किया और अनदेखी सी रह गई। वैसे भगवान आप तो सारे सृष्टि को चला रहे हैं, विश्वात्मन विश्व मूर्ति है, तो आप कृपया करके एक काम करिए, अब मुझे आप भक्ति के अंतिम छोर में ले आए हैं, तो अब ये वो बंधन जो है ये रोक रहा है, इसको काट दीजिए। छिंदी छिंदी का है, देखो क्या कहा है, स्नेह पाशम। एक होता है नॉर्मल पाश, नॉर्मल पाश यानी जिसे आप आदमी को आप रस्सी से बांध सकते हैं, और एक होता है स्नेह पाश जो दिखता नहीं है लेकिन होता जरूर है। स्नेह पाश में व्यक्ति बोलता नहीं है, वो अपने आप खींचा चले जाता है। ये जनरली होता है, जनरली कोई युवा युवती है, कोई युवती ने किसी लड़के को मीठे से बोल दिया ना कि यू नो आई अप्रिशिएट यू सो मच, आई चेरिश एवरी मोमेंट्स अबाउट यू इन माई हार्ट, खत्म। वो बंदा एक ऐसा स्नेह पाश में फंस जाता है, दिखने में कोई रस्सी नहीं है लेकिन फिर वो आगे पीछे घूमते रहता है। तो इसको कहते हैं स्नेह पाश, स्नेह पाशम इमम छिंदी। इसी स्नेह पाश को प्रभु आप कट कर दीजिए, ये मुझे खींचे जा रहा है। अदृढ़ पांडुषु वृष्णिषु दोनों साइड से तोड़ दीजिए और मुझे अपना अनन्य भक्त बना दीजिए। तो यहाँ पे प्रपद परपोट में दूसरे पैराग्राफ के पहले लाइन में लिखते हैं, अ प्योर डिवोटी कट्स ऑफ द लिमिटेड टाइज ऑफ अफेक्शन फॉर हिज फैमिली एंड वाइडन्स हिज एक्टिविटीज ऑफ डिवोशनल सर्विस फॉर ऑल फॉरगॉटन सोल्स। तो एक भक्त जो है, कई बार लोग पूछते हैं अरे प्रभु जी गृहस्थ होते हुए भी तो भक्ति कर सकते हैं, दुनिया में भी रह के तो भक्ति कर सकते हैं ना। हाँ, कई बार आपको लोग मिलेंगे, अगर आप भक्ति में नए आए हैं और आप इसमें थोड़ा ज्यादा रुचि लेने लगे, और स्पेशली जैसे हमारे कोई ब्रह्म हम हमारे जैसे कोई ब्रह्मचारी वगैरह बनने लगा, तो पहला यही रहता है लेक्चर, कौन गुरु जी बोले हैं कि घर पे भक्ति नहीं कर सकते, हमको फोन लगा के बात कराओ। अब गुरु जी भी बोलते कि हाँ भाई ये बात तो सही है, जैसा कुछ है नहीं, तो बोले तो एक काम, तो ये सब बंद करो, यहाँ मंदिर जाना, घर में बैठ के भक्ति करो, अपना काम करो, बेसिकली वो कह रहे हमारा बात सुनो। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो डायलॉग है ना, इस डायलॉग में बड़प्पन कम है, इसमें आपका लिमिटेड एक्सेस है। देखिए यहाँ कहा गया है कि अगर कोई अपने ये जो टाइज है इनको तोड़ देता है तो ज्यादा गति से काम कर सकता है और बड़े पैमाने में कर सकता है।
जो अपने अपने परिवार को लेके बैठे रहते हैं तो ना वो ठीक से परिवार का कुछ कर पाएंगे, ना समाज का, ना खुद का। लेकिन जो ही वो आपको व्यक्ति को नहीं छोड़ना है, उस अफेक्शन की शक्ति को छोड़ना है, जो स्नेह पाश है उसे हटा देना है, तो आपके जो निर्णय हैं बड़े उदारवादी होंगे, बड़े ही कल्याणकारी होंगे। जैसे आप अगर कोई जस्टिस है, न्यायाधीश है, वो न्यायाधीश का जो बेटा अगर कोर्ट में आ जाए और उसको ऊपर आरोप लगा हो, तो वहां उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा बेटा है ना, उसे अपने स्नेह से या बंधन से दूर रहना चाहिए, तब वो न्याय दे पाएगा। उसे कहना चाहिए हाँ क्या दंड है, इनका सुनवाई करिए, बात होगा लेफ्ट राइट प्रूफ, ये वो एविडेंस, फिर जो उचित दंड है या रिहाई है जो भी है वो होना चाहिए। तो वो हो गया, वो रोल है हमारा कि अगर हमको बड़ा काम करना है तो हमें ये मोह छोड़ना ही पड़ेगा, और अगर हम ये मोह नहीं छोड़ेंगे तो हम बंधन के कारण बन जाएंगे, और बंधन में चले जाएंगे तो ये अध्यात्म जो है हमें कभी पता ही नहीं चलेगा। तो इधर कहा गया है कि ऐसे जो भक्त हैं, ग्रेट शुद्ध भक्त हैं, अ प्योर डिवोटी कट्स ऑफ ऑल द लिमिटेड टाइज ऑफ अफेक्शन, सारे तोड़ देता है, किसके लिए, किसके लिए, याद रखिए, फॉर ऑल फॉरगॉटन सोल्स, ये जो सारे जीव हैं जो भगवान को भूल चुके हैं, जिनको भगवान में रुचि ही नहीं है, नाम में रुचि नहीं है, सेवा में रुचि नहीं है, इन सब का क्या होगा ये सोच के वो अपने सारे कार्यों को दूर रख के इनको ले आते हैं, इनको भगवान के पास लाने के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर देते हैं। जैसे आर्मी में जो जवान होते हैं वो अपने घर के बंधनों को तोड़ के वहां जाते हैं, पगार मिलता है तो हम कई बार बोलते नहीं पगार के लिए करते हैं, ना ना ना, पगार ठीक है, पगार नहीं चाहिए तो खाएगा कैसे बेचारा उसका परिवार, लेकिन वो जो वहां जा रहे हैं ना वो शौर्य है, वो वहां जाके इधर का त्याग करे तब वो बॉर्डर को बचा रहे, तब आप अंदर में धर्म कर पा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हर चीज में त्याग लगता है। जैसे कोई अगर नेता है, लीडर है, अगर वो त्यागी है ना तो लोग उसको बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि वो किसी के लिए करप्शन करेगा किसके लिए, जब उसके पास कुछ है ही नहीं, उसने अपने कोई संबंधी नहीं रखे नीचे तो करप्शन कहां से करेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है, प्रभुपाद लिखते हैं, तो छह गोस्वामी का उदाहरण भी दे रहे हैं प्रभुपाद, कि छह गोस्वामी हमारे जो थे उन्होंने कैसे सब कुछ छोड़ के महाप्रभु के आंदोलन में जुड़ गए। अब यहाँ कहा गया है, टू कट ऑफ ऑल फैमिली अफेक्शन मीन्स टू ब्रॉडन द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज, अगर अफेक्शन आपने तोड़ दिया तो आपका फील्ड बढ़ जाता है काम करने का। विदाउट डूइंग दिस, ये किए बिना, नो वन कैन बी क्वालिफाइड एज अ ब्राह्मणा, अ किंग, अ पब्लिक लीडर और अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। अगर आपको अपने आप को बड़ा भक्त बनना है, या आपको बहुत बड़ा लीडर बनना है, ब्राह्मण बनना है, ब्राह्मण यानी सबका भला सोचने वाला, वो अपने अकेले का भला नहीं सोचता, समाज के कल्याण का, इसलिए ब्राह्मणों से ओपिनियन लिया जाता था, अगर कोई स्वार्थी उससे ओपिनियन नहीं लिया जाता था, या आजकल जो वोटिंग सिस्टम है इसमें स्वार्थी निस्वार्थी सबको वोट करना पड़ रहा है और कचरा हो गया है, वो अलग चीज है कि पीछे से ईवीएम हैक हो जाता है, वो अलग चीज है। तो यहाँ पे हमें हमारे जीवन में अगर ओपिनियन लेना है तो किसी ऐसे व्यक्ति से हम लेते हैं जो हम सबका कल्याण सोच रहा है, जो हम सबका भला सोच रहा है। तो यहाँ पे कहा गया है कि आप ना ब्राह्मण बन पाओगे ना राजा बन पाओगे, आप राजा हो और आप अपने ही आसक्ति में लगे हो तो कैसे होगा। तो इसलिए ये सारे जो पब्लिक लीडर, अगर आपको पब्लिक में लीडर बनना है, समाज का समाज सेवक बनना है, तो निस्वार्थी होना पड़ेगा। तो कई बार लोग आजकल वो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, वो बहुत पब्लिक को लीडर बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसी टिप्स देते रहते हैं, ऐसे करिए, चार नुस्खे लगाइए। अरे भैया, ये नुस्खे लगाने के लिए भी आपको डिटैच होना पड़ेगा, आपको अपने स्नेह पाशों को दूर करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा अच्छे काम के लिए। तो पॉइंट क्या है कि ये सब लोग तो कहते नहीं ऐसा करो फिर सक्सेस होगा तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो आप खुश हो जाओगे, ले बेसिक में ही रड़ा हो गया, आपके बेसिक डेफिनेशन में ही गड़बड़ है। पैसे से सुख आएगा ये सोच के आप ये इम्प्लांट करके आप फेल कर दिए उस बंदे को। और यहां देखिए भागवत क्या कह रहे हैं, कुंती महारानी जानती है, कुंती महारानी एक स्त्री होते हुए जानती है कि जब तक इस स्नेह पाच से नहीं निकले, तो भागवत कितने अच्छे से मारता है, मतलब एक स्त्री के मुख से हमें ज्ञान दिला दिए, अब तो एकदम
शर्म आना चाहिए कि अगर हम ये काम ना करें तो। हाँ, एक स्त्री हमें बता रही है कि कैसे लीडर बनना है। अगर लीडर बनना है तो ये स्नेह पाश छोड़ना होगा, जो स्त्री जो हम स्वाभाविक रूप से ज्यादा आसक्त होती है वो कह रही है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे प्रभु रामचंद्र थे, उन्होंने अपने पत्नी से भी संबंध तोड़ दिए थे एक आदर्श राजा बने रहने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप जब राजा हो तो राजा का ही काम करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे कभी कभी वो बाजीराव मस्तानी जो मूवी है, तो बाजीराव मस्तानी के लिए पीछे भागे, वैसे बाजीराव बहुत पावरफुल थे, लेकिन वो मूवी में ऐसा दिखाया जैसे कि हाँ मस्तानी के पीछे बाजीराव कायल हो गए और सब छोड़ दिए। नहीं, ये योद्धा के लक्षण नहीं है। ऑब्वियसली वो मूवी में कुछ और ही दिखा है, पर जनरली लोग यही दिखाते हैं आजकल वो मूवीज में, यही बनता है कि प्यार के लिए सभी कुर्बानी कर दी है। वो पहली बात तो प्यार है नहीं, ये अज्ञान है। अब वो कुर्बानी ही मैडनेस है, वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। आगे बोलने वाली कुंती महारानी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इन दोनों के चक्कर में मेरा समय बर्बाद कर रही हूँ आने वाले आगे में, तो कृपया करके आप मेरा स्नेह पाश तोड़ दीजिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत अच्छे समझाते हैं कि भगवान क्या करते हैं। ये तो कुंती महारानी रिक्वेस्ट कर रही है और डिमांड कर रही है, भगवान क्या करते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, द लॉर्ड इज एड्रेस्ड हियर एज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स और द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्सल माइंड। भगवान यूनिवर्सल माइंड है, तीसरा पैराग्राफ चौथा लाइन। हाँ, इंडिकेटिंग हिज ऑल पावरफुल एबिलिटी टू कट द हार्ड नॉट ऑफ द फैमिली अफेक्शन, क्योंकि सबके मनों को जानते हैं ना, तो वो कट कर सकते हैं। देयरफॉर इट इज समटाइम्स एक्सपीरियंस्ड, आप कहीं कहीं बहुत भक्ति अनुभव करेंगे, दैट द लॉर्ड आउट ऑफ हिज स्पेशल एफिनिटी, भगवान की अपनी थोड़ी अनुकंपा के कारण, टुवर्ड्स अ वीक डिवोटी, कोई नया भक्ति में आया है और उसका कच्चा कच्चा है, मतलब ठीक से भक्ति नहीं कर पा रहा है, ब्रेक्स द फैमिली अफेक्शन, वो क्या करते हैं, वो पारिवारिक संबंध जो है उसको ऐसा तोड़ देते हैं, मतलब घर वाले उसको ताना मारेंगे, इतना उसका टूट जाता है दिल बाय फोर्स। भगवान ही कुछ ऐसा जुगाड़ कर उसका उसका दिल जो है परिवार के मोह माया में ही अंत हो जाता है, बाय फोर्स ऑफ सर्कमस्टेंसेज अरेंज्ड बाय हिज ऑल पावरफुल एनर्जी। अब आप समझे, जब भक्ति में आ रहे हैं तो आपके घर वालों से लोग बोलते ना कि प्रभु जी मेरे मेरे दोस्त मतलब मेरे को दूर कर दे रहे हैं, मेरे घर वाले मुझे प्यार नहीं करते, ये भगवान की अरेंजमेंट है, यही भगवान है। यहाँ भगवान आ गए आपके घर में, आपके जीवन में आ गए, वो चाहे जानते हैं ये करने से आप भजन नहीं कर पाओगे, तो आपको हटा दे रहे हैं वहां से। बाय डूइंग सो ही कॉजेस द डिवोटी टू बिकम कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन हिम एंड दस क्लियर्स द पाथ ऑफ हिज गोइंग बैक टू गॉड हेड, और इस प्रकार वो उस जीव को भगवत धाम जाने का मार्ग खुला छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे अगला श्लोक आता है, त्वयि मे अनन्य विषया मतिर मधु पते सकृत रतिम उद्वहता दद्धा गंगे वोघम उधनवती। ओ लॉर्ड ऑफ मधु, एज द गैंजेस फॉरएवर फ्लोज टू द सी विदाउट हिंड्रेंस, लेट माय अट्रैक्शन बी कॉन्स्टेंटली ड्रॉन अनटू यू विदाउट बीइंग डाइवर्टेड टू एनीवन एल्स। तो यहाँ पे कहा गया है कि हे प्रभु, मेरा यहां वहां ध्यान न भटकाए, मेरे स्नेह पाश को तोड़ के जैसे गंगे का पानी समुद्र की तरफ बहते हुए जाता है बिना रुकावट के, यहां वहां से रास्ता बना बना के, पहाड़ियों से, चट्टानों से, मट्टी से, कीचड़ से, सब जगह से बहते 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 वो समुद्र में जाके मिल जाता है, उसी प्रकार प्रभु मेरा जो भाव है, मेरा जो प्रेम है, वो भाग भाग के आपके चरणों में गिरे, यही मैं चाहती हूं। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि शुद्ध भक्त जो होते हैं, अनन्य भक्त होते हैं, इनको और कुछ आशा नहीं होती, इन्हें और किसी चीजों की अपेक्षा नहीं होती, ये कुछ नहीं चाहते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है, और इसमें जो भक्त बहुत प्रामाणिक हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि कुंती महारानी से हमें शिक्षा लेके अपने जीवन में कितना सीखने लायक है। हाँ, कुंती महारानी एक सच्ची भक्त है, सच्चे भक्त है। सोचो,
नॉर्मल में उनके कृष्ण के परिवार में नहीं रह के बाहर से भक्ति करना अलग चीज है, जैसे प्रहलाद हो गए, ध्रुव हो गए, सुदामा हो गए, लेकिन उनके रिश्ते में रहते हुए, क्योंकि रिश्तेदार आपको ना गिनते ही नहीं, आप प्रचार करिए, आप बाहर के लोगों को प्रचार कर सकते हैं, लेकिन आप अपने परिवार में किसी को प्रचार नहीं कर सकते, आपको आपको वो गुरु मानेगा ही नहीं आप कितना ही बोल लीजिए नहीं मानेगा, और अपने परिवार वालों को भक्त बनाना है बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ मैंने देखा है, लेकिन हमारे मेरे को एक एग्जाम्पल है, हमारे परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जो हैं, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के जितने भी रिश्तेदार हैं, उनके सिस्टर, उनके ब्रदर्स, उनके रिलेटिव्स, सभी को उन्होंने डिवोटी बना दिया, पर ये रेयर केस होता है, रेयर केस। लेकिन अपने रिलेटिव्स को डिवोटी बनाना, अपने परिवारजनों को डिवोटी बनाना बहुत टफ होता है। तो यहाँ पे उसी परिवार में रह के इनको प्रॉपर ईश्वर स्थान पे देखते हुए, अपने संबंधों को बनाते हुए और फिर भक्ति करना, बहुत बड़ा ये प्रेयर है। तो यहाँ वो कह रही हैं कि प्रभु जैसे गंगा जी बह बह के निकल के समुद्र में मिल जाती है ना, मेरा वही हाल है, मैं हूं तो यहाँ, थोड़ा बहुत मन में इनके प्रति प्रीति तो है, पर मेरा पूरा जो खिंचाव है आपके पास आ जाता है। देखिए हमारे जीवन में जितने उलाढ़ाल होंगे, जितने समस्याएं आएंगी, जितने अनपेक्षित चीजें होंगी, हम चाहते कुछ है, होता कुछ है, वो भगवान की इच्छा से ही होता है, हम और आप कुछ नहीं कर सकते, हम आप और आप रोकने का भी प्रयास करेंगे तो नहीं रोक सकते, वो होके ही रहेगा। तो इतना क्यों करते हैं भगवान, और हर कार्य में भगवान क्या करते हैं, एक कदम हमें हमारे पास आते हैं और हमें एक कदम आगे ले आते हैं, हमें एक कदम आगे ले आते हैं। तो ये प्रभु हैं, ये इनका भाव है कि ये जो मेरा बच्चा है इसको मैं खींच के ले आऊं, तो वो समुद्र की तरह है और हम नदियों की तरह हैं, खींच के उनकी तरफ जाएंगे। जैसे लोहा और चुंबक होता है ना, तो लोहा का जो कण है वो अपने आप उस चुंबक को चिपकने लगता है, टप 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 वैसे ये है। तो यहाँ समुद्र जो है उसका उदाहरण यहाँ देते हुए कुंती महारानी कह रहे हैं कि मैं भी ये सब अपने शारीरिक जो रिलेशन है, इस चमड़े से जो बना हुआ रिलेशन है, डीएनए आरएनए से, उससे हटके मैं आपके पास आना चाहती हूँ, ठीक है। और एक आखिरी प्रार्थना है कुंती महारानी का, वो सुन लेते हैं, और उसके बाद सूत गोस्वामी कुछ कहेंगे। श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्ण ऋष भावन निधगा राजन्य वंश दहरा नन पर्व पवर्ग वीर्य गोविंद गो द्विज सुरा अर्तिहारावतार योगेश्वरा किल गुरो भगवन नमस्ते। ओ कृष्णा, ओ फ्रेंड ऑफ अर्जुना, अपने बेटे से भी संबंध बता रहे हैं। ओ चीफ अमंगस्ट द डिसेंडेंट्स ऑफ वृष्णि, यू आर द डिस्ट्रॉयर ऑफ दीज पॉलिटिकल पार्टीज विच आर डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स ऑन दिस अर्थ। You, your prowess never deteriorates. You are the proprietor of the transcendental abode, and you descend to relieve the distresses of the cows, the brahmanas, and the devotees. You possess all mystic powers, and you are the preceptor of the entire universe. You are the Almighty God, and I offer you my respectful obeisances. So, Bhagwan ko wo alag alag namo se pukar rahi hain. जैसे यहाँ पे कहा गया है कि आप क्या करते हो, अपवर्ग को तोड़ देते हो, दहन दहन अपवर्ग, यानी आप अपवर्ग का दहन कर देते हो, सॉरी राजवंश दहन, राजन्य वंश दहन, जो बुरे बुरे राजा हैं इनका दहन करते हो अपवर्ग, और आप जो पवर्ग है यानी भोग का विलास का जो वर्ग है उसका आप नाश करके अपवर्ग कर देते हैं। हाँ प्रियंका जी, आपका आवाज बाहर आ रहा है। हाँ तो यहाँ पे कहा गया कि आप गो माता का रक्षण करने वाले हैं और गोविंद यानी गोलोक धाम के आप मालिक हैं, या वहां के आप सभी कुछ हैं, यू आर द लविंग ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट विषय क्या है, ये भी श्लोक में और पिछले श्लोक में भी, कि हमें कुंती महारानी ये सिखा रही है कि हमारा जो भी है, शक्तियां हैं भगवान ने दी हैं, उसे हमें उसका तिरस्कार नहीं करना। जैसे पहले श्लोक में कह दिया ना कि मेरे बंधन तोड़ दीजिए, तो नेगेशन करना ठीक है,
लेकिन वो कह रहे हैं कि लेकिन मेरा आपसे संबंध है, वो यहाँ पे कह रही है, फिर मैं आपके पास भाग के आने वाली हूँ, जैसे गंगा जी समुद्र में भाग रही है वैसे मैं आपके पास भाग के आने वाली हूँ, ये भले ही है अभी तो ये है और मैं आपके पास आऊंगी। तो ये जो वर्सेस हैं ये हमें हमारे भगवान से जो संबंध है इसके बारे में याद दिलाते हैं, इसलिए तो भागवत है, इसीलिए भागवत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कल हम सब लेंगे कि सूत गोस्वामी, फिर आगे युधिष्ठिर महाराज की अब जो समस्या है, यहाँ कुंती की समस्या खत्म हुई, अब युधिष्ठिर महाराज की चालू हो जाएगी, ये समस्याएं खत्म नहीं होती, तो कल हम सब सुनेंगे। किसी एक का एक क्वेश्चन है तो ले लेंगे, क्योंकि फिर मुझे थोड़ा जल्दी निकलना है जगह ड्राइविंग करके, तो एक क्वेश्चन हम ले लेंगे जो बहुत प्रेसिंग हो और इम्पोर्टेंट हो। यस, हाथ ऊपर करिए, अगर विजय जी ने हाथ ऊपर किया, यस पूछ सकते हैं जब। ठीक है, मनीषा गड़े गड़े जी आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ यस जी, कल कल मैंने देखा कि जयपताका स्वामी महाराज जी की व्यास पूजा थी, तो प्रश्न मेरा है कि ऐसा कहते हैं कि संन्यास के बाद उनका कोई भौतिक शरीर नहीं होता और उनके शिष्यों के जो अपराध देने पड़ते हैं, तो अभी वो उनकी कंडीशन ऐसी कि वो पैरालाइज है और बहुत सारे शरीर में कुछ व्याधियां हैं, फिर भी इतना उत्साह, और कैसे समझे हम उसको कि उनका भौतिक शरीर नहीं है लेकिन फिर भी वो अपराध लेते हैं और उनको शारीरिक तकलीफें हैं, व्याधि है, गुरु तत्व मतलब क्या है तुम्हारे में ऐसा? नहीं, ऐसा है कि देखिए, जैसे माँ है ना, वो बच्चे को 9 महीना गर्भ में रखती है और 7वें 8वें महीने में तो बच्चा लात मारने लगता है, दर्द होता है, आपको एक पोजीशन में बैठना पड़ता है, आपको 4-5 रिश्तेदारों पे उनको बुलाना पड़ता है, मम्मी को या किसी को, वो लोग काम करते हैं, तो आपका मतलब इतना हालत रहता है। उतना होने के बाद बच्चा बाहर आता है, फिर उसको, हाँ, बच्चे को समय पे खाना खिलाना पिलाना, उसको बड़ा करना, बहुत सारे काम है, ये सब करते करते 5 साल तो बच्चे पे पूरा छोटा छोटा ध्यान देना पड़ता है, यहाँ कहाँ चढ़ जाएगा, कहाँ उंगली डाल देगा, क्या कर लेगा, वो खुद ही कुछ कर लेता है, उसके ऊपर से घर का पेंटिंग दोबारा करवाना पड़ता है क्योंकि वो चौक लेके सब जगह कलर पेंटिंग लेके लिखता है। इतना करती है माँ, लेकिन एक बार भी वो किसी को जाके ये नहीं बताती कि मैं बच्चे के लिए इतना कर रही हूँ। मालूम है क्यों? क्योंकि वहां प्रेम है। वैसे ही भगवान इतने जीवों के लिए सब करते रहते हैं लेकिन वो बताते नहीं, क्योंकि वहां प्रेम। वैसे ही गुरु का जो शिष्य है, यानी गुरु का जो जीवात्मा है, जैसे हमने भी पढ़ा कि वो जीवात्माओं के लिए सब त्याग कर देते हैं, तो संन्यास के समय वो वचन ही लिया जाता है कि मैं जो भी हूँ अपने गुरु और भक्तों की सेवा के लिए हूँ, बस इतना ही, वो कृष्ण और गुरु की सेवा के लिए मैं अपना समर्पण कर रहा हूँ। तो ये भाव आ गया तो फिर शिष्यों का जो वो है, पाप भी अगर लेना है तो वो लेने में वो उसको सेवा समझते हैं, और वो जानते हैं कि मैं क्या लूंगा, ये वो जाके भगवान के चरणों में रख के आ जाते हैं, बोले ये मैं तो लेके आया पर ये साफ काम तो कोई करना है, भाव होता है। जैसे कई बार हम लोग भी जाते हैं तो लोग हमारा पांव छू लेते हैं, प्रभुजी प्रभुजी, तो हमको मालूम है पांव छूने से वो कर्म लगता है, लेकिन फिर हम भी जाके भगवान को छू लेते हैं, बोले प्रभु ज्यादा कोटा नहीं हैंडल कर पाएंगे, आप रखिए। तो ये है कि वो गुरुजन जानते हैं कि उनका भी भगवान से संबंध होता है, तो ये उत्साह जो है अपने आप में आने वाला चीज नहीं है। देखिए, संन्यास तक पहुंचना, संन्यास वर्ग में रहते हुए कार्य करना और उधर से फिर प्रचार करना, शारीरिक जो समस्याएं हैं वो तो समय समय से आती रहेंगी, बुढ़ापा आएगा, मतलब शरीर में, क्योंकि शरीर है, शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर में व्याधियां आएंगी, समस्याएं आएंगी, वो ऐसा नहीं कि सब ठीक ठाक रहेगा, कुछ भी हो तो समस्या में शरीर में आएगा ही आएगा। तो इतना होने के बावजूद व्यक्ति जो है, जब वो अंदर में उसके उनके हृदय में कृष्ण प्रेम हो तो व्यक्ति कृष्ण प्रेम ही बांटेगा। तो वैसे मुझे जयपताका महाराज इतने इतने सालों से उन्होंने प्रचार किया है और उनको प्रभुपाद जी ने आदेश दिया कि हजारों हजारों डिसाइपल्स बनो, और वो बड़े दयालु भी हैं। मुझे आज भी याद है कि हमारे सातारा के भक्तों को दीक्षा नहीं मिल रहा था, तो हमने मतलब अब नाम नहीं लेना, लेकिन सब जगह से ट्राई किया, नहीं हुआ, फिर लास्ट में जयपताका महाराज जी ने बोला नो, मतलब दे दिया दीक्षा आज वो लोग आज सेलिब्रेट भी करने वाले उनके वहां सेंटर में,
आज वही सेंटर जिन्होंने अपोज किया था, आज वही सेंटर उसको सेलिब्रेट करने वाला है। हाँ, क्योंकि मैंने महाराज जी ने हेल्प कर दिया दीक्षा देके, तो मेरे खिलाफ हो गए थे सब, पर महाराज जी ने कृपा किया था। तो ऐसा है कि वो कम से कम समझे कि हाँ ये भक्त बना रहा है, अगर दीक्षा ही देना है उसमें तो महाराज जी ने दिया। तो ये बड़प्पन है, तो ये सब भगवान देखते हैं। और भगवान कृष्ण प्रेम को जो शक्ति वो अंदर में देते हैं, ये मुख से बोलना और हाथ से चलना, ये भले ही शारीरिक दृष्टि से थोड़ा कम हो जाए, लेकिन उत्साह जो है वो अलग लेवल होता है। तो ये उत्साह जो है कृष्ण भक्ति से आता है। तो वो धन जो है वो आप किसी का नहीं ले सकते। भले शारीरिक रूप से हम तकलीफ दे सकते हैं, मानसिक रूप से किसी को कुछ हो सकता है, प्रकृति अपना काम कर सकती है, लेकिन जो कृष्ण प्रेम का जो उत्साह है वो कहीं आप किसी का नहीं ले सकते। और इसके प्रतीक है महाराज, पूरे उत्साह के साथ सब जगह जाके प्रचार करते हैं। हाँ, उनको दर्शन भी ले ले तो ऐसा एंथुसियाज्म फील होता है। मैंने जब मेरा पहला किताब लिखा था तो उन्हीं को जाके दिया था नया नया बाइंडिंग में, तो भाग भाग के गया था महाराज को दिया था। महाराज बोले यस, तो उनका सर्वेंट बोला कि महाराज ने अपने सर्वेंट से थोड़ा पढ़ के चेक करवाया कि टॉपिक्स क्या क्या लिखा है, तो बोले ने अच्छा लिखा है करके बोले थे तो ऐसा है। तो ये उत्साह है, शरीर का क्या है, आज ऐसा है कल कैसा रहेगा ये कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। हाँ, मतलब हम मेरे को गोपाल कृष्ण महाराज जी के सर्वेंट ने बताया कि वो जब जयप्रथा महाराज एडमिट थे तो गोपाल कृष्ण महाराज कभी किसी को डांटते नहीं, लेकिन वहां जो डॉक्टर्स थे उनको जोर जोर से बोल रहे थे, आई आई वॉन्ट हिम बैक, आई वॉन्ट हिम बैक, तुम कुछ भी करो आई वॉन्ट हिम बैक। मतलब ऐसा डॉक्टर लोगों को प्रेशर आ गया था। तो इन आपस में गुरु भाइयों का अच्छा संबंध है, इन्होंने एक अच्छा भाव प्रकट किया है, और यही उत्साह हम सब शिष्यों को नीचे ले जाके समाज में बांटना है और लोगों में देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? यस, हरे कृष्णा। तो मनोज वर्मा जी, आपने हाथ ऊपर किया, आप एक आखिरी क्वेश्चन पूछे फिर मुझे निकलना होगा। यस। हरे कृष्णा गुरु महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। एक तो है अग्नि अग्नि पुराण में जो वेद व्यास जी ने एक पुराण लिखा है, उसमें अग्नि पुराण में एक स्रोत्र है, बाप नाशक स्रोत्र, उसकी थोड़ी महिमा बताइएगा। नहीं, ऐसा अचानक नहीं और बता पाएंगे, आपको स्तोत्र बताना नहीं, पड़ेगा। नहीं, ऐसा सवाल नहीं, आपको एक एक चीज बता रहे हैं, मैं वेदों का गूगल नहीं हूँ, आपने टाइप कर दिया और बोल दिया। अगर आप कोई मंत्र बोल रहे हैं, नहीं, सुनिए सुनिए, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो उसका आपके पास कोई रेफरेंस होता है कि हाँ ये श्लोक मुझे मिला है इस अध्याय में इस नंबर पे है, समझा? मैं इंसाइक्लोपीडिया नहीं हूँ, मुझे भी देखना पड़ेगा वो श्लोक कहाँ है क्या है, तब मैं बता पाऊंगा। उसमें 15 श्लोक है उसके, नहीं तो वो कहाँ पे, कौन से अध्याय पे, अध्याय अध्याय खोज के बताइएगा, हमको मैसेज कर दीजिए, हम आपको खोल के फिर कल बता सकते हैं। अभी अचानक मेरे को दिख भी नहीं रहा है वो अग्नि पुराण कहाँ है मिलेगा ना, लेकिन वही है कि अध्याय खोजना। हाँ बोलिए। एक और प्रश्न है। हाँ, एक प्रश्न और है जिसमें अर्जुन जी को जो साक्षात्कार हुआ था कृष्ण भगवान जी का, जो विराट रूप दिखाया था, परंतु उनके उनके बाद भी, मतलब जब उनको मतलब वो जो विराट रूप दिखाने के बाद भी उनको नरक में जाना पड़ा, ऐसा क्यों? नहीं, राजा को जाना पड़ता है ना, राजा को नरक से गुजर के जाना पड़ता है, जो भी राजा बनता है। समझ लीजिए, लोग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन नरक से जाके निकलना पड़ता है, टेस्ट है वो, टेस्ट वो, एक राज्यकर्ता का टेस्ट है। क्योंकि प्रजा का जो 1/6 पाप है वो राजा को लेना पड़ता है, इसलिए राजा को अधिकार होता है प्रजा को दंडित करने का, इसलिए। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। तो हम सब बाकी सवाल कर लेंगे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा।